अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ फिश बिरयानी, बहुत ही मज़े की टेस्टी, यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। मैंने इससे पहले फ़िश को स्टीम किया है, उसके बाद कुक किया है, और स्टीम करने की रेसिपी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है, वहाँ से आप देखिए। मैंने घर का मसाला और पैकेट का मसाला दोनों यूज़ किए हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने फिश को नमक और अजवाइन लगाकर 3 घंटे रखा, फिर उसको साफ किया। फिर मैंने बाजार के पैकेट में घर का नमक, मिर्च, सफ़ेद जीरा, सूखा धनिया और 2 चम्मच आमचूर के डाले। ये मैंने ड्राई मसाला यूज़ किया इस फिश को, कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं डाला, सादा ये मसाला सारा मिक्स करके फिश पे लगाया और इस फिश को स्टीम कर लिया। स्टीम करने का तरीका आपको मिल जाएगा मेरे लास्ट वीडियो में। मसाला लगा के पहले फिश को रखना है, फिर स्टीम करना है। मैंने स्टीमर में मैंने और प्रेशर कुकर में स्टीम किया था और स्टैंड रख दिया था। स्टैंड के नीचे मैंने पानी में ऑयल डाला था, ऑयल डालने से ज़रा जायका अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद 2 मीडियम साइज के अनियन ले किया और गर्म चौक किया और फिर उसे भुना और उसके लहसुन अदरक डाला, लहसुन अदरक डाल कर उसे भुना। फिर टमाटर पेस्ट भी रेड किया, टमाटर पेस्ट डाली, उसे भुना, अपने भी छोड़ दिया था। मैंने स्टीम की हुई फिश को कुक किया, वो स्टीम जो कुक तो पहले ही थी, स्टीम हो चुकी हुई थी, हल्का सा दोनों साइडों पर कुक करके फिर मैंने उसे तैयार बिरयानी जो बनाई थी उसकी तैयार कर दी। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो स्टीम की फिश को उसके अंदर रखें, दोनों साइडों से हल्का हल्का सा 5 मिनट कुक करें। फिर इसको ढक्कन रख के हल्का से हल्की आंच पर दम लगा दें और देखिए मैं पानी डालने से पहले जीरा, बादियान का तेल, दालचीनी, नमक, ऑयल और करी पत्ता डालकर चावल उबाल लें। उसमें बराबर से इसमें आपने बिरयानी की तेल डालने, उससे पहले ऑयल डालें, फिर चावल डालें। चावल डालने के बाद उसके ऊपर आप फिश की तेल डालें, जितनी फिश की गलियाँ आपने रखी है उतनी गलियाँ रखी, मैंने 4 गलियाँ रखी है। फिर उसके ऊपर चावल के ऊपर तैयार है, फिर उसके ऊपर
कचौड़ा मसाला और धनिया डाले। पहली तेज में मैंने मसाला और धनिया फिश की धनिया रखी थी, फिर इसके ऊपर फिश रखे, मसाला डाले, उसके ऊपर फिर चावलों की प्याज लगा के उसके ऊपर हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, लेमन और जर्दे से हमें थोड़ा सा दूध में मिक्स करके मैंने डाला और मोर लगा दी और बिरयानी को 10 मिनट के लिए दम पे रख के 10 मिनट के बाद बिरयानी मुझे दाल की बिरयानी तैयार थी। तो मुझे आपको